गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। आज आपकी ईशा लेकर आई है 30 डेज का चैलेंज। किस चीज का? आपके इनर थाई के फैट को रिड्यूस करने का। हम में से बहुत सारे गर्ल्स के इस तरह का फैट इनर थाई में बहुत ज्यादा डिपॉजिट होने लगता है, जिससे कि गर्ल्स की स्किन आपस में रब होती है और उसके बाद में वहां पे रैशेस की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। इनफैक्ट पीरियड्स टाइम पे भी यही प्रॉब्लम होती है। जब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है तो हम पैड यूज करते हैं, उसकी वजह से भी जो हमारे इनर थाई पे जब बहुत ज्यादा फैट होता है तो रैशेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली इन समर्स, क्योंकि स्वेट बहुत ज्यादा आता है। तो इसकी वजह से हमें उस फैट को रिड्यूस करना भी जरूरी है। प्लस में कहीं भी बॉडी पे जब एक्स्ट्रा फैट होता है तो बट ऑब्वियस है वो ऑड लगता है और हमारे कॉन्फिडेंस को लो कर देता है ना। तो ऐसी चीज को रखना ही क्यों। तो चलिए आज आपको मैं बताने वाली हूँ ओनली एंड ओनली 4 एक्सरसाइजेस जो आपको घर बैठे बैठे बिना किसी इक्विपमेंट के अल्टीमेट रिजल्ट देने वाली है 30 डेज में, राइट? लेकिन इसके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जरूर आपने फॉलो करनी है, वो है मेटाबॉलिज्म ड्रिंक। तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक ऐड कर दूंगी रेमेडी का, वो आपको डेली इनटेक करना है जिस तरीके से मैंने बताया है और जो जो चीजें मैंने उसमें यूज करी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा वर्कआउट। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको पीठ के बल मैट पे लेट जाना है, उसके बाद में आपने लेग्स को इस तरह से ऊपर लेकर जाना है, नीज को आपने स्लाइटली सा बेंड ही रखना है और जितना मैक्सिमम हो सकता है आपने अपनी लेग्स को इस तरीके से ओपन करना है, राइट? ओपन करने के बाद आपने जॉइन करना है। जब आप इस तरीके से प्रॉपर ओपन करते हैं तो पूरा स्ट्रेच आपके इनर थाई पे आपको फील होगा। ऐसा आपने 20 बार करना है और इसे करने हैं आपने 5 सेट्स। रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने अपने दोनों लेग्स को इस तरीके से ऊपर लेके जाना है और आपने इस तरीके से आपने अपने फीट को जॉइन करना है, स्ट्रेट करना है, देन इस तरीके से डाउन लेकर आना है ओपन करते हुए। अगेन स्ट्रेट डाउन 20 टाइम्स 5 सेट्स। रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पीठ के बल आपको मैट पे लेट जाना है, उसके बाद में आपने इस तरीके से अपने पंजों को इस तरीके से जॉइन करना है, लेग्स को इस तरीके से ओपन करना है, अपनी तरफ से ट्राई करना है कि आपके जो नीज है वो मैट के साथ टच हो, देन उसके बाद आपने क्लोज करना है। अगेन ओपन क्लोज। इससे डबल बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा? ये आपके पेल्विक मसल को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। बहुत सारे लोगों को जो वो एज करने लगते हैं 40-47 के हो जाते हैं तो उनको बीच में यूरिन की प्रॉब्लम हो जाती है, लेडीज को जब वो भागते हैं छींकते हैं, तो ऐसे टाइम पे अगर आप ये वाला वर्कआउट भी करते हैं तो आपकी जो है पेल्विक मसल्स होती हैं वो आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती हैं, तो आपकी वो प्रॉब्लम भी आपको फ्यूचर में नहीं आएगी। क्योंकि आपने नोटिस करा होगा कि टीवी में भी एडवर्टीजमेंट आता है एडल्ट डाइपर्स मिलते हैं, वो इसी रीजन से मिलते हैं। रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने इस तरीके से लेग को आपने एक तो डाउन रखना है, दूसरी लेग को आपने इस तरीके से पूरा रोटेट करना है। ट्वेंटी टाइम्स ईच लेग। आपको करने हैं इसको 20 टाइम्स रिपीट करना है ईच लेग और करने हैं आपने 5 सेट्स। रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी सारी एक्सरसाइजेस
कंप्लीट होती है। तो गाइज आई होप कि आपको मेरा ये थाई वर्कआउट बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो ऐसे ही कुछ नया देखना चाहते हैं तो अपनी ईशा को ऐसे ही प्यार देते रहें, सिर्फ यूट्यूब पे नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पे भी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @ईशा मेहरा। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।